हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी और डिस्कस अबाउट ए न्यू पोएम। द न्यू पोएम इज ए बॉयज सॉन्ग। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट Wilfred Wilson Gibson. W.W. Gibson is the poet of this poem. Dear students, this poem was composed by the great English poet W.W. Gibson. He was born at Hexham in England. A boy's song. The poem A Boy's Song has been taken from his great poem Great Verse Mountain Cover in 1902. My dear students, the great poet Mahan Kavi W.W. Gibson England ke Hexham namak sthan par janme the। और ये जो कविता ली गई है ये माउंटेन कवर नामक एक वर्ष लिखा था, एक पद रचना उन्होंने लिखी थी, उस पद रचना से ली गई थी। वो माउंटेन कवर 1902 में लिखा गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, ही वाज बॉर्न एट हेक्सम इन इंग्लैंड इन 1878, यानी 1878 में इनका जन्म हुआ था। एंड ही पास्ड अवे और डाइड इन 1962। डियर स्टूडेंट्स, 1878 में इनका जन्म हुआ था, 1962 में ये परलोक सिधार गए। इन्होंने एक बहुत बड़ा पद लिखा था, उस पद का नाम है माउंटेन कवर। उसी पद से ये रचना, ये कविता ली गई है, ए बॉयज सॉन्ग। माउंटेन कवर उन्होंने लिखा था 1902 में। अब हम बात करते हैं कि इस कविता में क्या है, व्हाट इज इनसाइड द पोएम, और व्हाट मैसेज डज द पोएम हेयर गिव्स टू ह्यूमैनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, I say that the great poet W.W. Gibson is the staunch lover of birds' freedom. He has a bond with the birds. यानी कि इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि ये महान कवि पक्षियों की आज़ादी का प्रबल प्रेमी है। वो नहीं चाहते कि किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखा जाए, जाल में रखा जाए, बांध करके रखा जाए। वो कहता है कि बर्ड्स आर आल्सो नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, दे आर द इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर। प्रकृति के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं पक्षी, प्रकृति के बहुमूल्य उपहार हैं, इसलिए हमें किसी पक्षी के आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। हमें किसी भी पक्षी को पकड़ करके उसको जाल में फांस करके नहीं रखना चाहिए। इस कविता में वो एक ही बात बताते हैं कि हमें किसी भी पक्षी को जाल में नहीं बांधना चाहिए। वो कहता है कि मैं किसी पक्षी को जाल में नहीं डालता हूँ, बल्कि मैं उन्हें खुला छोड़ देता हूँ, इसीलिए वो सभी पक्षी मेरे पास आते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। सभी पक्षी इस वातावरण के मुझसे ही संबंध रखते हैं। नाउ प्लीज़ कम टू द पॉइंट, हम इस कविता का ट्रांसलेशन करते हैं, कविता को पहले रेसिटेशन करते हैं,
पहले इसका दोहरान करते हैं, कविता हमें क्या बताती है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट आई लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, एंड सो द सनवार्ड वे आई शो ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। ये इस कविता में है। डिड यू नोटिस, आपने ध्यान दिया, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता की तुकबंदी क्या है। देखिए, स्नेह और दूसरी पंक्ति में क्या है, फ्री। स्नेह और फ्री, क्या इस पंक्ति की इस पंक्ति से तुकबंदी है? नहीं। इसमें क्या बोल रहा है स्नेह, इसमें क्या बोल रहा है फ्री, जबकि तीसरी पंक्ति में बोल रहा है एयर। क्या बोल रहा है? एयर। तो पहली पंक्ति की तीसरी पंक्ति से है और दूसरी पंक्ति की चौथी पंक्ति से, स्नेह एयर फ्री मी, यानी राइम स्कीम है इसकी ए बी ए बी सी डी सी डी। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें दिया गया है ई एफ ई एफ, इसका मतलब है तुकबंदी क्या है, कविता में कौन सी तुकबंदी बैठ रही। देखते हैं, स्नेह एयर फ्री मी स्लो गो हाइट डिलाइट वे डे विंग्स सिंग्स, इस तरीके से। ओके डियर्स, चलिए। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बट आई लीव देम फ्लाइंग फ्री belong to me, from the blue tit on the show uncaged they come and go to the eagle on the height for my delight, and so the sunward way and in my heart all day I soar on the eagle's wings the blue tit sings। तुकांत जो है राइम स्कीम है वो इस प्रकार से यहाँ बैठी हुई है। आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसे ही पढ़ दीजिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेह बट आई लीव देम फ्लाइंग फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट अनके दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट एंड सो द सनवार्ड वे आई शो ऑन द ईगल्स विंग्स In my heart all day, the blue-tit sings। यानी प्रथम पंक्ति की तीसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति की चौथी पंक्ति से इसमें राइम स्कीम बैठी हुई है। This poem has three stanzas। इस कविता में तीन खंड हैं। चलिए इन सभी खंडों का यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं। Because क्योंकि I sat no snare, मैं सेट माने लगाता हूँ डालता हूँ, नो माने कोई नहीं, स्नेयर माने जाल। स्नेयर को क्या कहते हैं? जाल। अंग्रेजी में एक शब्द और है नेट। नेट मीन्स भी क्या होता है? जाल। ट्रैप मीन्स भी क्या होता है? जाल। और इसके बाद बात करते हैं नेट के बाद ट्रैप, और ट्रैप के बाद एक है लूप।
लूप मीन्स भी क्या होता है, फंदा, और सी ए जी ई केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा। ये सिनोनिम वर्ड्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। स्नेयर मीन्स भी जाल होता है, नेट मीन्स भी जाल होता है, ट्रैप मीन्स भी जाल होता है, लूप माने भी जाल या फंदा होता है, केज माने भी जाल या पिंजरा होता है। कवि कहता है बिकॉज, क्योंकि आई सेट में लगाता हूँ, मैं डालता हूँ, नो माने नहीं, स्नेयर माने जाल, मैं कोई जाल नहीं लगाता हूँ, बट बल्कि आई लीव मैं छोड़ देता हूँ, डैम उन पक्षियों को, फ्लाइंग माने उड़ने के लिए, फ्री माने स्वतंत्र रूप में, मुक्त रूप में। मैं उन पक्षियों को खुले आकाश में, इन द ओपन एंड वास्ट स्काई, खुले आकाश में उन सभी पक्षियों खुला छोड़ देता हूँ, मैं उनके लिए जाल नहीं लगाता हूँ, पक्षियों को पिंजरों में नहीं बांधता हूँ, बल्कि उन्हें खुला छोड़ देता हूँ। यही कारण है ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी ऑफ द एयर माने इस हवा के, इस वातावरण के, इस एटमॉस्फेयर के, इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में जितने भी पक्षी हैं, या एयर माने इस हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, वो सभी मुझसे संबंध रखते हैं, मुझसे जुड़े हुए। व्हाई, दैट इज द क्वेश्चन इन दिस स्टेंजा। ये प्रश्न है why do ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पॉइंट। इस हवा के, इस वातावरण के सभी पक्षी कवि से क्यों संबंध रखते हैं, ये यहां प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है। एंड यूअर आंसर विल बी दैट बिकॉज द पॉइट इज द स्टॉन्च लवर ऑफ द बर्ड्स फ्रीडम, पक्षियों की आजादी का कवि प्रबल प्रेमी है। सेकेंड बात आती है इसी क्वेश्चन में, एंड ही डज नॉट स्प्रेड एनी स्नेयर, एनी केज, एनी लूप, एनी नेट टू द बर्ड्स, यानी पक्षियों के लिए वह कोई फंदा, कोई जाल नहीं लगाता है, ये यहां बताया गया। चलते हैं, बात करते हैं आगे। ये आपका एक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया कि सभी पक्षी हैं वातावरण के, वो कवि से क्यों संबंध रखते हैं, क्योंकि कवि पक्षियों की आजादी का प्रबल प्रेमी है, वह पक्षियों को जाल में नहीं पकड़ता है, बल्कि वह उन्हें खुले आकाश में छोड़ देता है। वह चाहता है, wants that the birds should fly freely in the open and vast sky, कि पक्षियों को खुले आकाश में उड़ना चाहिए, विशाल आकाश में उड़ना चाहिए, हमें उनकी आजादी को नहीं छीनना चाहिए। वी शुड नॉट स्नैच देयर फ्रीडम बिकॉज ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर ऑफ द नेचर आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ द नेचर, दे आर द इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेचर, सो वी शुड नॉट कैच देम इन आवर नेट्स, इन आवर लूप, हमें हमारे फंदे में उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, सभी पक्षी हैं इस वातावरण के, वो सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं, कौन कौन से पक्षी। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट से लेकर के जो स्लो पर बैठी, स्लो माने एक झाड़ी, बेर का पेड़ होता है, छोटी सी झाड़ी होती है जिस पर बेर लगते हैं, बेर, बेरी का पेड़ इसको कह सकते हैं, झाड़ी कह सकते हैं, झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर के, ब्लू टिट का मतलब होता है नीले रंग की चिड़िया, या दूसरा इसका हिंदी ट्रांसलेशन शब्द है ब्लू टिट का, नीले रंग की चिड़िया नहीं है तो इसका दूसरा है राम गंगरा। द बर्ड इज ओनली फाउंड इन इंडिया, इस पक्षी को केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, इसीलिए ब्लू टिट को यहां कौन सा शब्द दिया गया है, राम गंगरा शब्द दिया गया है। ओके डियर्स, राम गंगरा, ब्लू टिट, नीले रंग की छोटी सी चिड़िया जो झाड़ी या बेरी के पेड़ पर बैठी हुई है, उससे लेकर के
टू द ईगल माने गरुड़ तक। ईगल माने क्या होता है? गरुड़। गरुड़ जो विशाल पक्षी होता है। ईगल माने बाज नहीं बोलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। बाज और गरुड़ लगभग एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन गरुड़ अलग होता है और बाज अलग होता है। बाज को अंग्रेजी में कहते हैं हॉक, जबकि ईगल को कहते हैं गरुड़। कवि कहता है, बेरी या झाड़ी के पेड़ पर बैठी हुई नीले रंग की चिड़िया राम गंगरा से लेकर के टू द ईगल माने गरुड़ तक, विशाल गरुड़ तक, ऑन द हाइट, जो ऊंचाई पर उड़ता है, खुले आकाश में बहुत ही ऊंचाई तक जो पक्षी उड़ता है गरुड़, वहां तक, यानी छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी तक सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं, क्योंकि मैं उन पक्षियों को किसी जाल में नहीं पकड़ता हूं। अनकेज्ड वो सभी पक्षी, छोटा पक्षी और बड़ा पक्षी भी, छोटे से राम गंगरा ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक सभी पक्षी अनकेज्ड माने बिना पिंजरे के, दे माने वे कम आते हैं एंड गो और जाते हैं, पिंजरे में नहीं है वो, बिना पिंजरे के ही वो छोटे से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी तक मेरे पास आते हैं और मेरे पास से खुले आकाश में उड़ने के लिए जाते हैं। फो माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए, क्योंकि जब मैं उन पक्षियों को खुले आकाश में उड़ता हुआ देखता हूँ तो यहाँ ये लगता है कि वो पक्षियों को भी ऐसा महसूस होता है कि उन्हें देख करके यहाँ कवि है वो प्रसन्न है। इसीलिए ज्यों ही वो पक्षी आते हैं और जाते हैं तो उन्हें खुले आकाश में उड़ता हुआ देख करके कवि क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यही बताया गया है, अनकेज्ड बिना पिंजरे के दे कम वो आते हैं एंड गो और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। ओके डियर्स, ये दो स्टेंजा आपकी समाप्त हो गई हैं। दूसरी स्टेंजा में प्रश्न बनता है कि यहाँ विशेष रूप से कवि कौन कौन से पक्षियों का वर्णन करता है। ध्यान रखना, आपका प्रश्न कैसे भी हो सकता है, इस कविता में कवि कौन कौन से पक्षियों का वर्णन करता है, तो कविता में तो कवि सभी पक्षियों का वर्णन करता है। वह कहता है कि सभी पक्षी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी बिकॉज आई सेट नो स्नेयर टू कैच देम इन माई लूप इन माई नेट, सो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू मी, बट माई डियर्स हेयर द पॉइंट एक्सप्रेसेज ए मीनिंगफुल लाइफ, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय, एक आनंद की भावना को यहाँ कवि बताता है, कवि जिक्र करता है कि मैं उन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं डालता हूं। आपका प्रश्न बनता है यहां कि यहां कवि कौन कौन से पक्षियों का जिक्र करता है, तो कवि तो यहां सभी पक्षियों का जिक्र करता है, सभी पक्षी ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, लेकिन प्रश्न आता है कि विशेष रूप से स्पेशली कौन कौन से पक्षियों का यहाँ कवि जिक्र करता है, तो विशेष रूप से केवल और केवल दो ही पक्षियों का यहाँ जिक्र किया जाता है। दीज टू बर्ड्स आर द ब्लू टिट एंड द ग्रेट ईगल, ए स्मॉल ब्लू टिट दैट सिट्स ऑन द स्लो एंड द ग्रेट ईगल That fly or which flies on the height. So here especially the poets, here the poet especially describes two birds in this stanza. The two birds are blue tit and eagle. चलिए दो स्टेंजा समाप्त हैं, तीसरी स्टेंजा है एंड सो द सनवार्ड वे, और इसीलिए द सनवार्ड वे, सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर,
सनवार्ड का मतलब होता है सूर्य की ओर, वार्ड WARD वार्ड जहां लग जाता है, WARD वार्ड शब्द जहां लग जाता है उसको कहते हैं की ओर, डाउनवार्ड नीचे की ओर, अपवार्ड ऊपर की ओर, फॉरवार्ड आगे की ओर, बैकवार्ड पीछे की ओर, सनवार्ड सूर्य की ओर, ध्यान रखना। सो इसीलिए द सनवार्ड वे, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, आईश्वर जैसे ही महान ग्रेट ईगल गरुड़ सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर जाता है, सूर्य की ओर उड़ता है ऊंचाई पर, तो कवि ऐसा महसूस करता है कि मैं भी गरुड़ के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की ओर उड़ रहा हूं। कह रहा है यहां आई शो मैं उड़ रहा हूं ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल्स माने गरुड़ के विंग्स माने पंखों पर, सोअर का मतलब होता है इस तरीके से उड़ना, इस तरीके से नहीं केवल इस तरीके से उड़ने को हम क्या कहते हैं सोअर शब्द कहते हैं SOAR। तो कवि कहता है ईश्वर मैं उड़ता हूं ऑन द ईगल्स विंग्स गरुड़ के पंखों पर बैठ करके, एंड इन माई हार्ट और मेरे हृदय में ऑल डे पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग्स माने वो चिड़िया गाना गाती रहती है, यानी कि चिड़िया गीत गाती है और महान गरुड़ ऊंचाई पर उड़ता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं ही उस गरुड़ के पंखों पर बैठ करके सूर्य की ओर जा रहा हूं, और इतना प्रसन्न हो जाता है द पॉइट्स रैप्चर टेक्स हिम टू वॉच द सन एंड ही फील्स दैट ही इज सिटिंग और सोरिंग ऑन द ईगल्स विंग्स एंड हिज हर्ट फील्स दैट ए ब्लू टिट इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन हिज हार्ट, ही इज वेरी हैप्पी व्हेन ही सीज द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन एंड वास्ट स्काई, खुले आकाश में पक्षियों को उड़ता हुआ देख करके यहां कवि ये कहता है। ओके डियर्स, ये आपकी कविता समाप्त है, अंतिम दो पंक्तियों में इस कविता का मैसेज मैं यहां बोल देता हूं, नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में आपको फिर ये क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां कवि कहना चाहता है जैसे कि मानव, मानव की तरह लाइक ए ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, दे आर द नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, सो वी शुड नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच दीज बर्ड्स इन आवर लूप, हमें हमारे फंदे में इन पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए बल्कि वी शुड फ्लाई फ्रीली देम इन द ओपन एंड वास्ट स्काई। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कविता बहुत अच्छी पसंद आई होगी या आप इस कविता को आराम से आपने कर लिया होगा। कोई भी कविता से संबंधित मीनिंग वगैरह कुछ भी आपको लगता है, कोई भी समस्या, इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और सेंड एनी मैसेज। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं यहाँ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।